हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग पढ़ेंगे लेक्चर 2 ऑफ लीनियर इक्वेशन एंड टू वेरिएबल। तो हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन वगैरह पढ़ा था, तो अब हम लोग तरीका देखेंगे कि हम लोग जो है अपने साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं। तो साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के बेसिकली तीन तरीके होते हैं। एक सबसे पहला जो मेथड होता है वो होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। उसके बाद सेकेंड जो मेथड होता है वो होता है एलिमिनेशन मेथड। और थर्ड जो मेथड होता है वो होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो ये जो है ये एक छोटा सा ब्रीफ है। अब मैं वन बाय वन करके तीनों मेथड को डिस्कस करूँगी। तो स्टूडेंट्स, अब हम लोग पढ़ेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। तो मैं इस मेथड को डायरेक्टली एक एग्जांपल लेकर के आप लोगों को समझा रही हूँ। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने एक साइमल्टेनियस इक्वेशन लिखा है, जिसमें हमारा पहला इक्वेशन है 2x + y = 7 एंड 4x, सेकेंड इक्वेशन है हमारा 4x - 3y = 1, सॉरी 4x - 3y + 1 = 0। तो हम लोग सबसे पहले अपने इक्वेशन को लिख लेते हैं फिर से, जैसे 2x + y = 7 एंड 4x - 3y = -1। तो स्टूडेंट, ये हमारा हमने इक्वेशन को लिख लिया। तो हमारा जितना भी एक वेरिएबल टर्म है वो हम लोगों ने लेफ्ट हैंड साइड में लिख लिया, और जो हमारा कांस्टेंट टर्म है वो हम लोगों ने राइट हैंड साइड में लिख लिया। तो सॉल्व करने के लिए सब्स्टिट्यूशन मेथड को सबसे पहले सॉल्व करने के लिए क्या होता है ना, मान लीजिए ये हमारा इक्वेशन 1 है एंड ये हमारा इक्वेशन 2 है। तो हम लोग कोई भी इक्वेशन से, किसी भी एक इक्वेशन से, जैसे मान लीजिए कि इक्वेशन नंबर 1 से 2x + y = 7 है, तो इसमें से हम चाहे x की वैल्यू निकाल लें चाहे y की वैल्यू निकाल लें। कैसे निकालते हैं चलिए आपको बताते हैं। जैसे मान लीजिए मैं इस इक्वेशन से y की वैल्यू निकालना चाहती हूँ, तो मैं ये करूँगी, y की वैल्यू याद रखिएगा, y की वैल्यू आएगी इन टर्म्स ऑफ x और x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y। तो मैं यहाँ पे y की वैल्यू निकाल रही हूँ इन टर्म्स ऑफ x, तो देखिए वो आएगी 7 - 2x। तो यहाँ पे y की वैल्यू हमारे पास आ गई 7 - 2x। अब इस वाली y की वैल्यू को हम अपने इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे। तो जब हम लोग इसको y की जगह पे पुट करेंगे, जैसे मान लीजिए 4x - 3y = -1 है, तो इसमें हम लोग y की जगह पे ये वाली वैल्यू पुट करेंगे। तो 4x - 3 × 7 - 2x = -1, ठीक है। तो ये हमारा आ जाएगा 4x - 21, 3 से मल्टीप्लाई हो गया, 21 - 6x = -1। अब देखिए स्टूडेंट्स, हम लोग ये ब्रैकेट खोल देंगे, 4x - 21 - -+6x = -1। तो अब हो जाएगा 6 + 4, x का टर्म आपस में जुड़ जाएगा, ये हो जाएगा 10x - 21 = -1, और फिर हमें मिल जाएगा 10x = -1 + 20, ये हो जाएगा 10x = -21 10x = 20। तो हमें यहाँ से x की वैल्यू मिल जाएगी 20 और 10 बाय 10, तो हमें यहाँ पे x की वैल्यू मिल गई 2, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, हमारे x का वैल्यू आया 2, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैंने इक्वेशंस लिख दिया है, वही प्रीवियस वाला ही है। तो अब x का वैल्यू हम लोग चाहे इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करें चाहे हम इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट करें। चलिए मैं इसे इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करती हूँ। सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, तो जैसे ही यहाँ पे हम लोग डालेंगे 2 × x के जगह पे 2 + y = 7, तो हमारे ये हो जाएगा 4 + y = 7 एंड y की वैल्यू हमें मिल जाएगी 7 - 4 = 3। तो स्टूडेंट्स, हमें x का भी वैल्यू मिल गया और हमें y का भी वैल्यू मिल गया। तो यही जो हमारा मेथड था यही सब्स्टिट्यूशन मेथड कहलाता है। इसमें हम लोग क्या करते हैं,
इसमें हम लोग सबसे पहले इक्वेशन को, जैसे हमारे ये इक्वेशन है ऐसा दिया गया है, इसमें हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, हमारा जो भी इक्वेशन दिया गया है सारे वेरिएबल टर्म को एक साइड ले आएंगे और जितने भी कांस्टेंट टर्म है उनको दूसरे साइड, मतलब ये हमारा अगर लेफ्ट हैंड साइड है और ये हमारा राइट हैंड साइड है, तो हमारा जितना भी वेरिएबल टर्म होगा वो हमेशा लेफ्ट हैंड साइड होगा और हमारा जितना भी राइट कांस्टेंट टर्म होगा वो राइट हैंड साइड में होगा। तो ये करने के बाद हम लोग कोई भी एक इक्वेशन से, कोई भी एक इक्वेशन से, चाहे हम लोग एक्स की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ वाई निकाल लेंगे या तो वाई की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ एक्स निकाल लेंगे। तो जैसे यहाँ पे वाई की वैल्यू हम लोगों ने निकाला, वाई की वैल्यू निकालने के बाद क्या किया, सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ वाई इन इक्वेशन टू। चाहे आप इसको, जैसे हमने इक्वेशन वन से वाई की वैल्यू निकाली है तो ऑब्वियसली जो हमारा बचा हुआ इक्वेशन है, इक्वेशन टू बचा है, हम लोग उसको इक्वेशन टू में पुट करेंगे। इक्वेशन टू में पुट करने के बाद यहाँ पे हम लोगों ने ये पूरा सॉल्व किया एंड हमें आंसर मिला, वैल्यू मिला एक्स की वैल्यू टू। हाँ तो स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही। आप लोग कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर बताएं कि कौन सा टेक्स्ट बुक आप लोग मैथमेटिक्स का फॉलो कर रहे हैं, और अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम आ रही है या डाउट आ रही है वो कमेंट बॉक्स में लिखें। और अगर कमेंट बॉक्स में भी लिखने से प्रॉब्लम हो रही है, आप अपना डाउट सही तरीके से कमेंट बॉक्स में नहीं लिख रहे हैं, तो ये बात आप कमेंट बॉक्स में लिख दें कि हमें प्रॉब्लम हो रही है, तो फिर मैं आपको दूसरा ऑल्टरनेटिव प्रोवाइड कराऊँगी डाउट सॉल्व करने का, ठीक है। सो थैंक यू आज के लिए।